राधे राधे एवरीवन, वेलकम इन चिल्ड्रंस क्लब। आपने नंबर नेम सीखे बच्चों? अब नंबर नेम के बाद आता है ये फॉरवर्ड काउंटिंग एंड बैकवर्ड काउंटिंग। ये क्या होता है ये अब हम आज हम आपको सिखाएंगे। जैसे कि फॉरवर्ड मीन्स होता है आगे बढ़ना, फॉरवर्ड मीन्स होता है आगे बढ़ना, और बैकवर्ड माने होता है पीछे आना या उससे कम होते जाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड काउंटिंग देखते हैं। फॉरवर्ड काउंटिंग में सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर रखते हैं। सबसे छोटा नंबर क्या होता है? वन। तो वन ऐसे लिखेंगे, वन तो सब बच्चे बना ही पाते हैं, सब बच्चे समझदार हो गए हैं ना, इसीलिए ये हो गया वन। वन से जब फॉरवर्ड करेंगे या वन से इंक्रीज करेंगे तो टू हो जाएगा, और टू को लिखते हैं ऐसे। ठीक है, ये हो गया टू। अब टू से इंक्रीज करना है, टू से इंक्रीज किया तो आ गया थ्री। थ्री लिखा, थ्री कैसे लिखते हैं? ऐसे। ठीक है, वन टू थ्री, थ्री से आगे इंक्रीज, वन टू थ्री, थ्री से इंक्रीज किया तो हुआ फोर। इंक्रीज किया या फॉरवर्ड किया, फॉरवर्ड किया मतलब आगे बढ़े, आगे बढ़े तो ये आया फोर। राइट डाउन ये फोर। फोर के बाद, फोर ये है, फोर के बाद ये हो गया फाइव। अगला नंबर हमारा आ जा रहा है फाइव। जी हाँ, ये वैसे ही काउंटिंग ही है, लेकिन ये बता रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एक यहाँ पे कैसे बढ़ता जा रहा है, और बढ़ने वाले को आगे बढ़ना कहते हैं, फॉरवर्ड कहते हैं, इंक्रीजिंग कहते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर या एसेंडिंग सीरीज भी कहते हैं। ठीक है, अब फाइव, फाइव के बाद बच्चों क्या करेंगे हम? एक और आगे बढ़ेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास सिक्स। काउंट करते रहते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स। तो यहाँ पर हम सिक्स लिख लेंगे। ठीक है, सिक्स से इंक्रीज करेंगे, फिर सिक्स ऐसे था, वन इंक्रीज किया सेवन। अगला नंबर हमारे पास सेवन आ जा रहा है। ठीक है, सेवन से इंक्रीज किया, सेवन कैसे था? ऐसे, सेवन से इंक्रीज किया एट, है ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो हम यहाँ पर एट लिख लेंगे। ठीक है, अब एट, एट ऐसे था, एट से वन इंक्रीज किया ये हो गया, एट से ये वन इंक्रीज किया और ऐसे हुआ, और फिर से स्टार्टिंग से गिनते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, और हमारी लास्ट डिजिट आ रही है नाइन। और ये क्योंकि ये नंबर केवल नाइन तक ही कोई नंबर होते हैं, इसके बाद भी इंक्रीजिंग और ऑर्डर और आगे बढ़ सकता है, फॉरवर्ड आगे बढ़ सकता है, लेकिन नंबर सिर्फ नाइन तक होते, इसलिए हम आपको केवल नाइन तक ही बता रहे हैं कि बस इतना ही इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, उसके बाद आप और आगे भी बढ़ सकते हो। ठीक है, तो फिर से हम इसको काउंट कर ले रहे हैं, फॉरवर्ड काउंटिंग को, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है तो अब हम आगे बैकवर्ड काउंटिंग में चलते हैं। बैकवर्ड काउंटिंग में क्या करना है कि सबसे पहले हम सबसे बड़ी डिजिट लेते हैं, इधर चूंकि इंक्रीज होता था बड़ा होता जा रहा था, तो अब बैकवर्ड में सबसे बड़ी डिजिट ही ले लेते हैं। पहले सबसे बड़ी डिजिट हमारी है नाइन, और नाइन होता है ऐसे। ठीक है, नाइन ये हो गया, नाइन के बाद नाइन ऐसे होता है ना, नाइन में वन डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज माने या बैकवर्ड में आएंगे, कम करेंगे, कम किया तो अब गिनते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट आ गया। ठीक है, ये आ गया एट। एट
एट हमारा ऐसे था, एट में वन फिर बैकवर्ड आएंगे, बैकवर्ड मतलब कम करेंगे, पीछे आएंगे, बैकवर्ड मतलब पीछे आएंगे, कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे, और हमने डिक्रीज किया तो आया 1 2 3 4 5 6 7, 7 आया, तो हम यहाँ पर 7 लिख देंगे और ये अच्छा सा 7 बना दिया, ठीक है। अब 7 के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, कैसे गिनेंगे, 7 ऐसे हुआ था, फिर से 1 कम करेंगे, अब क्या बचा, 5 और 1 6, यहाँ पर हम 6 लिख देंगे, ठीक है। 6 के बाद जब 6 ऐसे होता है तो 6 में फिर 1 कम किया, और 1 की कम किया तो इसको बोल ऐसे हो कर दिया, और ये बचा 1 2 3 4 5 5, फाइव के बाद फिर से हमने एक कम किया और थम्स को नीचे कर लेते हैं, अब फिर क्या बचता है, 4 1 2 3 4, 4 को भी लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि हम 1 कम करते जा रहे हैं इसलिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर भी इसे बोलते हैं, इस बैकवर्ड काउंटिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर कोई मांगेगा तो भी आप ऐसे ही लिखोगे। अब 4 4 में से हम ये कम कर देते हैं, अब क्या बचा, 1 2 3 3 लिख दे रहे हैं यहाँ पे, अब 3 में से, ये 3 था, 3 में से फिर 1 कम कर दे रहे हैं, अब बचा 1 2 2 लिख देंगे, अब 2 में से, ये 2 था, 2 में से 1 फिर कम किया तो क्या बचा, 1, ये हमारा 1, ठीक है। ऐसे हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया, इसमें कैसे हुआ, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये ज्यादा से कम होता जा रहा है, ज्यादा काउंट नंबर से कम की तरफ जा रहे हैं तो इसे बैकवर्ड काउंटिंग कहते हैं, इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं, इसे डिसेंडिंग सीरीज भी कहते हैं, अगर कोई आपसे डिसेंडिंग सीरीज मांगेगा तो भी आप ऐसे ही कम करते हुए सबसे बड़ा नंबर पहले लिख लोगे, उससे कम उससे कम उससे कम उससे कम लिखते जाओगे। अब फॉरवर्ड काउंटिंग मीन्स छोटे से बड़े की तरफ जाना, और बैकवर्ड काउंटिंग मीन्स बड़े से छोटे की ओर जाना, ये डिफरेंस बच्चे बस समझ लो फिर आप बहुत अच्छे से कर लोगे। कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई डिस्कशन करना हो तो प्लीज़ कमेंट्स के द्वारा पूछिए, लाइक, और इसे अगर अच्छा लग रहा हो, आपने इससे कुछ सीखा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तब तक, और इसको हम फिर से एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।